मैं डॉक्टर योगेश कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर समाज विज्ञान विद्या शाखा, राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज फाफामऊ। आज का विषय है आधुनिक विश्व का इतिहास 1789 से 1870 ईस्वी। पेपर का नाम है MHY 103N भाग एक। इसके अंतर्गत इकाई चार में फ्रांस की राज्य की क्रांति, इसमें जो 18वीं शताब्दी में जब पूरे यूरोप में आर्थिक कलह चल रहा था तो वहीं अनेक क्रांतियां हुई, लेकिन क्यों फ्रांस में ही हुआ? फ्रांस में क्योंकि उस समय जो किसान वर्ग थे और मध्यम वर्ग, वो काफ़ी सजग थे अन्य जैसे स्पेन हुआ, इंग्लैंड हुआ, अन्य स्थानों से। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि 1789 की फ्रांस की क्रांति में विश्व के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसके पहले क्या था, अमेरिका की क्रांति हुई 1776 ईस्वी में, आज़ाद हो गया, वहाँ स्वतंत्रता समानता की बात दिया गया बात, और अनेक क्रांति वहाँ, लेकिन फ्रांस में ही क्रांति हो रही है। अब यह क्रांति क्या था, जो वहाँ के पूंजीपति थे, सामंत वर्ग थे, उनके सामंत वर्गों के खिलाफ था। सामंत वर्ग वर्गीय विशेषाधिकार मतलब जो अधिक धनवान लोग थे उनके खिलाफ, और भ्रष्ट नौकरशाही जो लुई 14वां के बाद लुई 15वां या लुई 16वां जब राजा बनते हैं, फ्रांस में निरंकुश शासन होती है, तो वहाँ के क्या नौकरशाही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हो जाते। किसी भी देश में नौकरशाह भ्रष्ट हो जाते हैं तो उस देश की क्या है अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति चरमरा जाती है। तो उसी प्रकार फ्रांस में 18वीं शताब्दी में दिखाई देता है, और वहाँ क्या था, निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग आम जनमानस का क्या था, विद्रोह था, क्योंकि आम जनमानस उनको क्या था अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। और इस क्रांति में जो फ्रांस की क्रांति हुई, राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था, मानव के स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का संदेश दिया गया। अभी तक क्या था, किसी भी क्रांति में ये बातें नहीं बताई गई थी। तो इसमें क्या, तो जो किसान वर्ग थे वो भी काफ़ी सजग थे, और मध्यम वर्ग वकील डॉक्टर अनेक जो पेशेकार थे सब इसमें सम्मिलित थे। किसके खिलाफ, सामंतों के खिलाफ, जो सामंत राजा के नीचे रहते थे, पादरी वर्ग के खिलाफ। तो इस क्रांति के साथ विश्व में राष्ट्रीय जागरण और विद्रोह का इतिहास प्रारंभ होता है, जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में देखा जाता है, जो यूरोप के अन्य देशों में नहीं दिखाई देता है। और जब अमेरिका के स्वतंत्र हो जाता है तो स्वतंत्रता समानता की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ मानव की स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व आम जनमानस की भावना के बारे में बताया जाता है। और फ्रांस के राज्य क्रांति के अनेक कारण थे। सबसे पहले क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, किसी भी देश को यदि चलाना है तो वो राजा के अनेक कारण होते हैं। तो राज जो क्रांति था, क्रांति के अनेक कारण थे। सबसे पहले राजनीतिक कारण इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वहाँ फ्रांस का जो बुर्वा राजवंश था वो कैसा था, निरंकुश राजतंत्र। बुर्वा राजवंश शासक के विषय में कहा जाता है कि जो पुरानी बातें भूलते नहीं है, यानी जो पुरातन व्यवस्था चली आ रही थी फ्रांस का, वो लगभग अभी तक चली आ रही थी। इसीलिए जो वहाँ के संविधान का कभी सभा नहीं बुलाया गया था, लगभग 175 वर्ष हो चुके थे तब भी आम सभा नहीं बुलाई गई थी। तो क्या था, शासन लगातार निरंकुश होगा। जब सत्ता किसी भी देश का निरंकुश होगा तो आम जनमानस का क्या है, विद्रोह होना स्वाभाविक रहता है, लगातार बढ़ रहा था। और जो राजा था, राजा का अयोग्य शासक, किसी भी देश को चलाने के लिए राजा को क्या है, एक सशक्त पावरफुल होना चाहिए, न कि कमजोर होना चाहिए। लेकिन लुई 14वां के बाद क्या है, लुई 15वां जब 1715 ईस्वी से लेकर 1774 ईस्वी तक शासन करता है, लगभग 60 वर्ष शासन करता है, वो क्या था, अयोग्य शासक था। और उसके बाद जो लुई 16वां भी था 1774 ईस्वी से लेकर 1793 ईस्वी, इसी के काल में राज्य की क्रांति होती है, जो विद्रोह होता है। लुई 14वां की जहां तक बात है, वो 1763 ईस्वी से लेकर 1663 ईस्वी से लेकर 1715 ईस्वी तक रहता था। इसके काल में अनेक विकास होते हैं, पुलों का निर्माण होता है, रोड का, अनेक युद्ध होता है। युद्धों के माध्यम से क्या, देश की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई, लेकिन क्या हो, यूरोप में इंग्लैंड के बाद कोई भी
देश मजबूत था तो वो फ्रांस था। तो इसीलिए लुई 14वां के बाद वो स्वयं पता था कि आई एम स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, जो वो कहता था वही कानून हो जाता था। और जो लुई 16वां था अयोग्य शासक था, और उसकी विवाह किससे हुआ था, मेरी एंटोनो से, जो लुई 16वां की पत्नी थी। वो क्या था, एकदम भोग विलास में जीवन व्यतीत कर रहा था। पेरिस से वर्साय चला गया था, राजधानी वर्साय के महल में भोग विलास, वहीं आम जनता क्या था, रोटी के लिए तरस रहे थे। तो मेरी एंटोनियो को इस, जो महारानी थी, इस पे कोई उसका ध्यान नहीं गया। तो वो कहती थी कि रोटी नहीं मिल रहा है तो केक खाइए, जब रोटी ही महंगी है तो केक आम इंसान कैसे खा सकता है। तो इन्हीं के खिलाफ क्या है, राजनीतिक कारण विद्रोह होता है। और जो उस समय लुई 16वां के शासनकाल में 1774 ईस्वी से लेके 1793 ईस्वी के काल रहता है, वहाँ के जो प्रशासनिक अराजकता का माहौल था पूरा, और ये सब किसके खिलाफ थे, रानी के साथ दे रहे थे, रानी के साथ पूरा जो सामंत वर्ग था, सामंत भोग विलास में जीवन अपना व्यतीत कर रहा था, और ये आम जनमानस के खिलाफ ध्यान कोई नहीं दिया जा रहा था। तो यही जो आम जनमानस है, चाहे ये लोग क्या थे, विद्रोह करना प्रारंभ कर दिए, किसके, सत्ता के खिलाफ, जो भ्रष्ट नौकरशाही थे। यदि भ्रष्ट नौकरशाही नहीं हटाएंगे तो राज्य क्या है, तहस नहस, समाप्त हो जाता है, पतन की ओर, इसीलिए औद्योगिक उसी क्रांति प्रारंभ हो जाता है। तो भ्रष्ट नौकरशाही और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव दिखाई देने लगा, इसीलिए क्या है, यह विद्रोह प्रारंभ होता है। राजनीतिक कारण में सबसे महत्वपूर्ण कारण यही थे। और जहां तक सामाजिक कारण है, सामाजिक कारण में जो फ्रांस का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था, फ्रांस के राजत्व में जो वहां का दैवी अधिकार प्राप्त था, किसको, राजा को प्राप्त था, जो आम जनमानस को नहीं। तो राजा क्या करता था, निरंकुश सत्ता स्थापित कर लिया था। तो इसमें क्या थे, कई वर्ग थे, मुख्यतः तीन वर्ग थे, पादरी वर्ग यानी सामंत वर्ग, मध्यम वर्ग और कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग, ये तीन प्रकार के लोग थे। और यही आम जनमानस क्या था, बोलबाला था, जिससे शासन में भ्रष्टाचार था। और इन्हीं तीन वर्गों में क्या था, तीन वर्गों में फिर डिवाइड होता, पादरी वर्ग जो था, पादरी वर्ग राजा के बाद पद आता था, क्योंकि वहां पे कैथोलिक चर्च था, कैथोलिक चर्च, चर्च का जो सत्ता किसके हाथ में था, पादरियों के। और पादरी वर्ग में भी कई वर्ग थे, दो वर्ग थे, उच्च पादरी वर्ग, निम्न पादरी वर्ग। जो उच्च पादरी वर्ग थे, जो मुख्य शहर में गिरजाघर होते थे, उसके क्या थे, ये अधिकारी होते थे, इनके पास भूमि संपदा सबसे अधिक होता था, इसीलिए क्या था, ये सामंती प्रवृत्ति के हो। और जो निम्न पादरी वर्ग थे, उनको क्या है, इतनी भूमि नहीं प्राप्त था। देश की जमीन का पांचवा हिस्सा, यानी जो फ्रांस था, फ्रांस की भौगोलिक स्थिति का पांचवा हिस्सा किसके पास था, पादरी वर्ग, उच्च पादरी वर्ग, न कि निम्न पादरी वर्ग के साथ। और साथ ही आम जनता के से क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, टैक्स कौन था, तारीख नामक कर लिया, वसूल किया जाता था। इससे क्या है, पादरी वर्ग स्वतंत्र थे, प्रशासनिक हस्तक्षेप के साथ उनका जीवन कैसा था, पादरी वर्ग का, भोग विलास का, जिस प्रकार से राजा वर्सा के महल में भोग विलास कर रहे थे, उसी प्रकार से क्या थे, पादरी वर्ग भी कर रहे थे। लेकिन जो निम्न पादरी वर्ग थे, उनकी स्थिति दयनीय थी, क्योंकि ये प्रांतों में रहते थे, गांवों में रहते थे, उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं था, उनको कर देना पड़ता था। सामंत वर्ग, जो दूसरा फ्रांस के राज की क्रांति के सामाजिक कारण में सामंत वर्ग थे, सामंत वर्ग में भी कई लोग विभाजित थे, उच्च राजकीय पद पर क्या थे, यही सामंत वर्ग लोग थे, यानी ये इनके पास भूमि संपदा अधिक होने के कारण ये क्या थे, व्यापक भ्रष्टाचारी राजा के साथ करते थे, जो रानी मेरी एंटोनी थी उसके साथ व्यापक भ्रष्टाचार करते थे। और जब लुई 16वां था, वो कहता था कि आई एम स्टेट, और ये क्या था, जब वो बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था, यानी इंग्लैंड के बाद कोई यूरोप में राज सत्ता था, तो बुरुआ राजवंश किसके शासनकाल में, लुई 14वां 1660 ईस्वी से लेके 1715 ईस्वी तक शासन करता है, उसमें काफी विकास होता है फ्रांस का और अनेक क्षेत्रों में। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, आर्थिक
का भी दोहन होता है, पैसे भी धन भी खर्च होते हैं, अनेक युद्ध लड़ता है, युद्ध में पराजित भी होता है, विजय भी होता है, लेकिन साम्राज्य का विकास होता है। जो उसके उत्तराधिकारी थे लुई पंद्रहवां और सोलहवां, ये क्या थे, लुई चौदहवें की तरह शासन नहीं कर पाए, अयोग्य शासक थे। तो इसी प्रकार क्या है, उसका व्यापक भ्रष्टाचार दिखाई देने लगता है। और सामंत वर्ग, ये क्या थे, सामंत वर्ग हमेशा शासन के, और इसमें क्या था, वकील, डॉक्टर, वकील, इन सब रहते थे। जो सुविधा वर्ग जो थे, सुविधा विहीन यानी जिनको कोई अधिकार नहीं प्राप्त था फ्रांस की क्रांति में, क्योंकि 1776 ईस्वी में अमेरिका की क्रांति हो गई थी, वहाँ स्वतंत्रता समानता की बात कही गई थी, लेकिन फ्रांस में स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व की बात, क्योंकि यही लोग जो सेना में सम्मिलित थे फ्रांस के, जब अमेरिका की क्रांति हो रहा था, अमेरिका का युद्ध चल रहा था ब्रिटेन से उपनिवेश के स्वतंत्र कराने के लिए, तो फ्रांस किसका साथ दिया था, अमेरिका का, तो वही सैनिक यहाँ भी किसका साथ दे रहे हैं, आम जनमानस का, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि विद्रोह यानी जो राजा के खिलाफ विद्रोह होगा तभी सभी को अधिकार मिलेगी। जो सुविधा वर्ग किसान थे, इनकी क्या है, संख्या सबसे ज्यादा थी, जो फ्रांस का जनसंख्या था 80% जनसंख्या किसकी थी, 80% जनसंख्या आम जनमानस की थी, किसान का था। इसमें क्या था, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, अनेक वर्ग थे, इन्हीं के माध्यम से क्या है, किसान वर्ग विद्रोह करते हैं, जिससे क्या हुआ, ये सामाजिक कारण कि आम जनमानस में चेतना की जागृत होती है। और ये देखा जाता है कि किसी भी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण उसका सामाजिक कारण होता है, जब समाज ही स्वतंत्र होने लगेगा तो अपने आप क्रांतियों के माध्यम से उनको अधिकार मिलने लगेगा, जो निरंकुश सत्ता था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो ये सब देखा जाता है सामाजिक कारण में। और लेखक, वकील, सब अपने अभिव्यक्ति इन्हीं के माध्यम से दिए, जो आम जनमानस। और तीसरा जो कारण था फ्रांस के राज्य की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण थी, आर्थिक कारण। किसी भी देश में यदि आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी तब क्या है, उनका अर्थव्यवस्था चलाने के लिए और विकास में अवरुद्ध मार्ग हो जाएगा। तो फ्रांस में भी यही दिखाई देता है, क्योंकि जो लुई चौदहवां था, लुई चौदहवां में अनेक क्या थे, युद्ध किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन दोनों जो उसके अयोग्य शासक हुए, लुई पंद्रहवां सोलहवां, वो हमेशा क्या था, अयोग्यता के ही माध्यम से। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, क्रांति को प्रोत्साहन कौन दिए, अर्थव्यवस्था को, जो विद्रोह में क्रांति का प्रोत्साहन देने में सबसे महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारण माना जाता है। और इसमें अतः कई विद्वान लोग थे, और ये विद्वान क्या थे, अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाते थे। तो जो उस समय की राजा लुई सोलहवें के शासनकाल में दोषपूर्ण क्या था, कर की व्यवस्था था, यानी जो कर था सभी तरह से समान नहीं था, पूरे देश में हर जगह हर प्रांत में अलग अलग तरीके से था, दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था का विभाजन, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था का क्या था, विभाजन दो वर्गों में था, एक धनी वर्ग जिसे क्लर्जी वर्ग कहा जाता है, दूसरा गरीब वर्ग, जो आम साधारण वर्ग, जो गरीब थे वो हमेशा गरीब होते चले गए, जो धनी थे, धनी किसी भी देश में देखा जाए या किसी भी साम्राज्य में देखा जाए, जो धनी वर्ग है हमेशा उसका विकास होता चला गया, और जो गरीब है तो गरीबी में ही अपना जीवन यापन, ये फ्रांस के राज्य के क्रांति में दिखाई देता है, 1789 ईस्वी में दिखाई देता है। और यही क्या है, पूरे विश्व में राष्ट्रीय जन चेतना का जागृत होता है, और राज्य के सभी उच्च पद पर किसका अधिकार था, कुलीन यानी जो उच्च सामंत वर्ग और अधिकारी थे उन्हीं का क्या था, सभी पदों पर अधिकार था, इसमें आम जन साधारण का कोई महत्व नहीं था। अतः अर्थव्यवस्था का विभाजन से दोनों वर्गों में क्या था, वैमनस्य फैल गया, वैमनस्य और पैदा कर दिया, किस लिए, कि जो उच्च वर्ग है वो कर नहीं दे रहा है, जो निम्न वर्ग है कैथल नामक कर दे रहा है, तो क्या है, अपनी आय का सबसे ज्यादा कर दे दे रहा है, उसको कुछ नहीं बच रहा है, और जो धनी वर्ग है वो क्या है, हमेशा भोग विलास में जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये फ्रांस के राज्य के क्रांति में दिखाई देता है।
और जो दूसरा इसमें आर्थिक कारण में था, दोषपूर्ण कर व्यवस्था। जो देश था फ्रांस, क्या था, एक विशाल देश हो गया था उस समय 1789 ईस्वी के क्रांति के आते आते। तो देश का जो ऋण था, कर था, ऋण क्या था, बढ़ता चला गया। अनेक करों का बोझ उसके ऊपर, किसी भी देश में यदि ऋण का भार बढ़ता है तो उस देश की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। जैसे आर्थिक मंदी आ जाती है तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, उसको चलाने के लिए तो सरकार अनेक प्रकार के कर लागू कर देती है। किस पे? आम जनमानस पे, क्योंकि देश को चलाना है। तो उसी प्रकार फ्रांस में उस समय, फ्रांस के राज के क्रांति में 1789 में ये देखा गया कि अनेक प्रकार के दोषपूर्ण कर व्यवस्था व्याप्त था। और ऊपर से जो राज परिवार था, यानी जो राजा था, राजा के परिवार के सदस्य थे, वो क्या थे, कर से मुक्त थे। पादरी वर्ग भी क्या थे, वो भी कर से मुक्त थे। सामंत वर्ग भी क्या थे, कर से मुक्त थे। तो पूर्ण जीवन आर्थिक स्थिति को दयनीय कर दिया, यानी जो वर्षाय के महल में था, ये कहा जाता है कि उस समय लाखों रुपए एक दिन का खर्च होता था वर्षाय के महल में। और आम जनमानस क्या था, उनको रोटी नहीं मिल रहा था। और महारानी मेरियो एंटोनियो कहती है कि रोटी नहीं मिल रहा तो ब्रेड खाइए, तो केक खाइए। तो उस समय क्या था, केक और ब्रेड का दाम तो बहुत और ऊपर था, और रोटी नहीं थी। इससे क्या हुआ, दोषपूर्ण कर व्यवस्था में आर्थिक कारण सबसे महत्वपूर्ण गिना जाता है। और किसी भी राज्य क्रांति में यह बहुत महत्वपूर्ण, यदि कर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलता रहे, किसी प्रकार का दोष न हो, तो वहां क्या है, विद्रोह नहीं होगा, आम जनमानस खुशहाल। लेकिन फ्रांस में ये दिखाई नहीं दिया। और यही कहा जाता है कि फ्रांस में ही क्यों क्रांति, क्योंकि जो अन्य देश थे, यूरोप के अन्य देश थे, वो कहीं पढ़े लिखे और अच्छे समझदार किसान यहाँ के थे, और यहाँ के किसानों की स्थिति भी अन्य देशों की तुलना में मजबूत था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या था, दोषपूर्ण कर व्यवस्था के कारण ही क्या था, यहाँ की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। और व्यापार में जो उस समय 1774 ईस्वी से 1793 ईस्वी देखा जाता है मध्य में, व्यापार की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। जो लुई 14वां एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था युद्ध के माध्यम से, लेकिन उसके जो दोनों शासक राजा होते हैं, लुई 15वां जो 1715 ईस्वी से लेकर 1774 ईस्वी लगभग 60 वर्ष शासन करता, उसमें क्या है, भोग विलास, और उसके जो मंत्री वर्ग थे आम जनमानस की तरफ ध्यान नहीं देते। और उसके बाद लुई 16वां तो और भ्रष्ट था, और क्या था, दिवालियापन में अर्थव्यवस्था चली गई। नाप तौल प्रणाली भी क्या था, पूर्ण रूप से दोष थी। कहाँ पे, फ्रांस में। व्यापारी जो वर्ग थे, व्यापारी वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब व्यापार करते थे, किसी भी अर्थव्यवस्था को चुंगी के माध्यम से क्या था, उसको उस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन क्या है, चुंगी कर देना मना कर दिए थे। तो ये देखा जाता है कि किसी भी देश, जैसे जब भारत में अंग्रेज लोग आए, बंगाल में शासन कर लेते हैं 1764 ईस्वी के बाद, उनको दीवानी और फौजदारी मिल जाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जब ले जाते थे, कर नहीं देते थे, तो जो वहां का नवाब था बंगाल का, वो भी सभी को, भारतीयों को भी मुक्त कर दिया। तो इससे अर्थव्यवस्था चरमरा। तो यही दिखाई देता है फ्रांस के क्रांति में कि जब व्यापारी चुंगी नहीं देंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से चला जाएगा, तो क्या है, आम जनमानस पे अधिक भार पड़ेगा। साथ ही क्या है, बहुत ही कम वस्तु का उत्पादन उस समय फ्रांस में होता था। क्यों? क्योंकि उसी समय अकाल पड़ा था फ्रांस में। 1778 ईस्वी में फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था क्या था, आर्थिक दयनीय में चला गया था। और जो कृषि कार्य हो रहा था, न वर्षा हो रही थी, न अन्न, सूखे के कारण क्या है, अर्थव्यवस्था और डामाडोल। जब आर्थिक स्थिति में क्या है, एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं होगा, यानी जब कृषि उत्पादन अत्यधिक होगा, तभी किसी भी साम्राज्य का अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले। इसीलिए कहा जाता है कृषि एक महत्वपूर्ण जरिया होता है। तो फ्रांस के अर्थव्यवस्था में देखा जाता है कि आर्थिक स्थिति में वो क्या हुआ, उस समय क्या था, जो उत्पादन था या
कृषि वर्ग में ये सब क्या है समाप्त होने लगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे व्याप्त होने लगती है अर्थव्यवस्था, क्या है आर्थिक मंदी में चली जाती है, करों का बोझ बढ़ जाता है। तो ये देखा जाता है कि फ्रांस के राज्य के क्रांति में ये सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कारण है। यदि आर्थिक सुधार हो जाता तो फ्रांस में राज्य क्रांति नहीं हो पाती। कैथल नामक जो कर था यानी आम जनमानस में न लागू होता, सभी को देना पड़ता, तो इतनी दयनीय स्थिति फ्रांस में नहीं होता। लेकिन क्या है पूरे विश्व का एक फ्रांस ही ऐसा देश था जहाँ क्रांति सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई। तो इसी क्रांति के माध्यम से क्या हुआ, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की बातें की गई। और जो चौथा कारण था ये सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी क्रांति में यदि किसी भी देश को क्रांति होना है तो किसका, बौद्धिक वर्ग जो समाज का पढ़ा लिखा वर्ग होता है, चाहे जिस देश में, चाहे भारत में उनकी क्रांति हो, उसमें भी सैनिक और आम जनमानस पत्र पत्रिकाओं से आम जनमानस तक पहुंचाए या 1942, उसी प्रकार फ्रांस का जो क्रांति हो रहा था बौद्धिक वर्ग, मंटेस्क्यू एक बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था और क्या था कानून का बहुत जानकार था, स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक लिखा है। इसमें क्या है जो राजा के एक दैविक अधिकार होना चाहिए वो बताता है, यानी वो ब्रिटेन अन्य देशों का संविधान पढ़ के अनेक देशों का भ्रमण करके तब ये पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज लिखता है। इसमें राजा के दैवी अधिकारों का खंडन करता है कि राजा को निरंकुश शासन नहीं होना चाहिए, राजा एक पावरफुल नहीं होना चाहिए, आम जनमानस की भी बातें किया जाए, नियम कानून से सत्ता चलना चाहिए, जो अनेक वर्ग थे उनको भी साथ में लिया जाए। तो मॉन्टेस्क्यू क्या है आम जनमानस के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो रूसो था, रूसो एक बहुत बड़ा समाजशास्त्री था, राजनीतिज्ञ था, तो वो रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बताता है कि जानता है कि जनता सर्वोपरि क्या है, पूरी तरह से राजा के ऊपर निर्भर होता है। तो वो कहता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, मनुष्य तो स्वतंत्र पैदा होता है। लेकिन फ्रांस की क्रांति में यही सब क्या है, जहां मॉन्टेस्क्यू दिमाग पर आम जनमानस के प्रभाव करता है, वही रूसो हृदय पे प्रहार करता है आम जनमानस के, कि राजा के खिलाफ तभी विद्रोह होता है, राज्य क्रांति होता है। और जो तो रूसो क्या था बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान, इससे क्या पूरी सत्ता उसी पर निर्भर थी, यानी जो यदि आम जनमानस ही खुश नहीं रहेगा तो राजा क्या जाए। चाहे भारत में ही देख लीजिए, अकबर का शासन महान क्यों कहा जाता, क्योंकि आम जनमानस जो कर था सभी सुचारू रूप से था। लेकिन औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब के शासनकाल में यही दिखाई देता है कि जो 1658 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक का औरंगजेब का काल था, वहाँ क्या था आर्थिक कलह और अनेक स्थितियाँ, रूस ये क्या फ्रांस में भी दिखाई देता है। तो रूसों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आम जनमानस के हृदय तक, दिद्रो ने अपनी पुस्तक, ये तीन मुख्य बौद्धिक वर्ग लोग थे, अनेक और क्या थे विद्वान थे जो फ्रांस के राज्य के क्रांति में महत्वपूर्ण थे। दिद्रो ने ज्ञानकोश नामक एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक के माध्यम से क्या बताता है कि किस तरह से राजकीय सत्ता से लेकर पूरी व्यवस्था में भ्रष्टाचार है। यानी जो ज्ञानकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया लिखता है, पूरे देश का वो अध्ययन करके भ्रमण करके तब यह पुस्तक लिखता है कि जो राजकीय सत्ता है, राजकीय सत्ता क्या पूरी अर्थव्यवस्था को यदि सही नहीं चलेगी तो उसमें भ्रष्टाचार। तो ये क्या है दिद्रो ही क्या कहता है कि जो फ्रांस की उस समय राज व्यवस्था थी पूरी तरह से व्याप्त भ्रष्टाचार था। तो आम जनमानस क्या है विद्रोह कर दिया और 1790 ईस्वी के आते आते वर्साय के महल को घेर लिया जाता है और राजा इस्तीफा दे के उसको कैद कर लिया जाता है और उस पर आम जनमानस का अधिकार हो जाता है, यानी एक संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। और 1793 ईस्वी में बुलेटिन नामक एक
फांसी की सजा उस पर सजा दे दिया जाता है लुई 16वां को। तो ये देखा जाता है कि पहली बार फ्रांस के राज्य की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात की जाती है। अभी तक अमेरिका के क्रांति में क्या था, स्वतंत्रता समानता की बात की गई थी, लेकिन यहाँ बंधुत्व की बात की गई। और फ्रांस के राज्य के क्रांति में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जो अमेरिका के राज्य के क्रांति में 1776 में नहीं दिखाई देता। तो इस तरह से देखा जाता है कि पूरे विश्व को फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी राष्ट्रीय जन चेतना का काल माना जाता है, और यहीं से राष्ट्रीय भावना का जागृत होता है। एक दूसरे देश, चाहे इटली हो, जर्मनी हो, अनेक यूरोप में राष्ट्रीय चेतना का जागृत होता है धीरे धीरे। और भारत भी उस समय क्या था, लगभग अंग्रेजों के अधिकार में हो गया था, जो 1764 ईस्वी के बाद बक्सर का युद्ध होता है उसमें दीवानी फौजदारी प्राप्त हो जाता है, तो पूरी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में हो जाता है। तो ये दिखाई देता है कि फ्रांस के राज्य के क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना जगी, और सभी जो आम जनमानस थे साथ में मिलकर क्या किए, राजा के खिलाफ विद्रोह करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या था, फ्रांस के राज्य के क्रांति में ये सबसे महत्वपूर्ण और जो उस समय की तत्कालीन घटना थी। किसी भी कारण फ्रांस के क्रांति में तत्कालीन कारण क्या था, लुई 16वां था। इसके शासनकाल में प्रारंभ में ही पूरी फ्रांस की अर्थव्यवस्था क्या था, जर्जर हो गई थी। उसका शासनकाल क्या था, 1774 ईस्वी से लेकर 1793 ईस्वी था। ऊपर से जो अयोग्य और निर्णय लेने में सक्षम नहीं था, कौन, लुई 16वां, क्योंकि एकदम लुई 14वां भी क्या था, कुछ समय वित्त मंत्री के कार्य में करता है। लुई 14वां 1760 में पूर्ण रूप से शासन करने लगता है, आई एम स्टेट कहता है तभी, लेकिन दोनों में लुई 15वां 16वां में यह दिखाई नहीं देता है। और विलासिता यानी जो भोग विलासिता, रानी मेरियो अंतुनी थी, महारानी ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ द्वितीय की बहन थी, जो फ्रांस की महारानी थी मेरियो एंटोनियो, वो कहा कि ऑस्ट्रिया की सम्राट जोसेफ द्वितीय की बहन थी। तो जब लुई 15वां शासन करता है 1715 ईस्वी से लेकर 1774, उसी समय सप्तवर्षीय युद्ध होता है और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार में क्या है, फ्रांस लड़ता है। फ्रांस को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आर्थिक अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है। फ्रांस की वापसी से कभी भी फ्रांस के नागरिक नहीं स्वीकार किए, किसको, महारानी को। तो महारानी को कभी भी आम जनमानस उसको फ्रांस के निवासी नहीं माने। जैसे कोई भी भारत का यदि किसी देश में राजा बन जाए तो उसको वहां के लोग नागरिक नहीं मानेंगे, उसी प्रकार फ्रांस में ये देखा गया 1789 के क्रांति में। और वह अत्यंत क्या थी, भोग विलास थी, और प्रिय संसाधनों में करोड़ों रुपए खर्च होता था वर्षाय के माहौल में, और आम जनमानस क्या था, उससे क्या था, दैनिक स्थिति थी, खाने के लिए अनाज भी नहीं मिल रहा था, रोटी नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए इन सब के खिलाफ देखा गया आम जनमानस का विद्रोह था। इस विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निका, मध्यम वर्ग, जो वकील, डॉक्टर, पेशे वर्ग जो लोग थे, इनके माध्यम से आम जनमानस विद्रोह करता है। तो इस प्रकार से महारानी और लुई 16वां का साम्राज्य समाप्त हो जाता है और एक लोकतंत्र की तरफ बढ़ने लगता है फ्रांस। 1790 ईस्वी में संविधान का गठन होता है और कई चरण में क्या है, संविधान का वहाँ 1790 से 1792 ईस्वी से 1793 से लेकर 1795 ईस्वी तक नए संविधान का, उसी समय क्या है, नेपोलियन बोनापार्टा का उत्कर्ष होता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है फ्रांस के राज्य की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण आम जनमानस का था, इसमें स्वतंत्रता, समानता की बात कहेगी। तो ये आज का क्लास था, और इसमें फ्रांस के राज्य की क्रांति के बारे में लगभग विस्तार रूप से चर्चा की गई, और आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।